प्राइम मिनिस्टर ने अपने ऑफिस में तमाम स्टेक होल्डर्स की मीटिंग की थी और मीटिंग करने के बाद उनका भी स्टेटमेंट सामने आया है, किसी को किसी किस्म की गलत फहमी में रहना नहीं चाहिए कि आर्म फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान जिस किस्म की रिस्पांस की जरूरत है लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर या लाइन ऑफ कंट्रोल के अलावा अगर कहीं भी जरूरत पड़ जाए वो इनकैपेबल हैं। हमारे आर्म फोर्सेज अल्लाह के फजल करम से ना ऑर्गेनाइजेशन में किसी से कम है, न वेपन सिस्टम में किसी से कम है, न तैयारी में किसी से कम है। अल्लाह के फजल करम से हमारे पास बैटल हार्डेंड आर्म फोर्सेज मौजूद हैं जिन्होंने पिछले 4-5 साल से इनको बैटल फील्ड में रहे हैं। अगर कोई ताले आजमा कोशिश करेगा कि हमें टेस्ट करे, मेरे ख्याल में मुंह की खानी उनको पड़ेगी। और मोदी साहब जिस किस्म की हॉकिश एटीट्यूड उन्होंने अडॉप्ट किया हुआ है वो गलत फहमी में न रहे। हम जंग नहीं चाहते, हम अमन के पुजारी हैं, अमन को हम प्रमोट करना चाहते हैं। लेकिन अगर कोई इसके लिए शौक रखे तो इंशाल्लाह फिर ऐसा रिस्पांस को मिलेगा जिस तरह के आर्मी चीफ ने बताया कि इनको अपने स्कूलों में अपने निसाब में इनको शामिल करना पड़ेगा उस एक्सपीरियंस को जो कि इसके बाद वो करेंगे।